हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द ब्रांड न्यू एपिसोड एंड आज कुछ छोटा सा व्लॉग रहेगा, कुछ सर्वे सा रहेगा। हम आप तो ये नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ में देख सकते हैं आप ये नज़ारा। ईटानगर वालों का तो वेल नोन पता ही होगा ये जगह के बारे में। तो आज जाके कुछ देखते हैं, कुछ नया चीज़ अगर होता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो लेट्स गो। तो आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं, ये है बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर। वेल, बहुत आदमी लोगों को पता नहीं होता होगा यहाँ में क्या क्या एनिमल मिलते हैं। सो आज देखते हैं क्या क्या एनिमल मिलते हैं। तो चलिए मेरे साथ। एक टिकट का कितना है? 20 है एक टिकट का। यही सामने में, यहाँ से आप यही सामने में आपको टिकट का मिल जाएगा। कुछ नहीं है खाने के लिए। अभी हम दुकान वाला का ये ना जो ही चीज ले जा रहे हैं। कितना सुंदर जो नज़ारा है, घरियल पॉन्ड स्टेचू है पूरा, मूवी नहीं कर रहे। पहले से ऐसे बताता था, हम पहले साल भी ऐसे आना ऐसे ही था, इस साल भी आए तो इस साल भी ऐसे था। भाई आप लोग भी आया यहाँ में, शर्म कर रहे। चलो चलो जाते हैं यहाँ से। सो घरियाल तो देख लिया, अभी चलो ऊपर जाते हैं। चल जाएगा इधर इधर से, यहीं से रूट। एक कोटेशन लिखा है, बहुत ही प्यारा है। वी इन्जॉयड इट, वी स्पॉइल्ड इट, नाउ वी मस्ट सेव इट। इसका मतलब यही है कि हम लोग प्रकृति का बहुत ही अच्छा लुप्त उठाते हैं, फिर उसको बर्बाद करते हैं। अभी हम लोग का ये कर्तव्य बनते हैं कि हम लोग इसको सेव करें, ठीक है। तो ये है ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ ईटानगर। यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा देखने के साथ साथ मुझे यहाँ में अंकल मिला। तो अंकल आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, अपना यहाँ में कितना साल आपने बिताया है एंड क्या क्या करना पड़ता है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं आपको, थोड़ा बताइए आप हम लोगों को। हम यहाँ का सीनियर है, हम लोग यहाँ जानवर लोग को देखभाल करता है और लोग को खाना पीना और सुबह शाम सुबह केला चना ये सब फल मूला वाला देता है। फिर यहाँ दिन भर विजिटर लोग को देखना पड़ता है। फिर 4 बजे टाइम में खाना और आलू वो लोग सब मिक्स करके बॉईल करके इधर खाना देता है। तो आपका पेमेंट कितना मिलता होगा? पेमेंट 33 मिलता है। 33,000, दैट्स नाइस। एंड आपका फैमिली कितना है? फैमिली इधर है, यहीं में है। हाँ यहीं है, सब ठीक है। ठीक है, तो अंकल का नाम नहीं पूछा हमने, अंकल का नाम भी जान लेते हैं। मेरा नाम रेजन क्रिकेटा। ठीक है, तो अंकल को मिल के अच्छा लगा। सो नेक्स्ट टाइम भी हम आएंगे, ठीक है। तब टाइगर लोग मिल जाएगा ना हमें, फॉक्स टाइगर। ओके थैंक यू। ओ यहाँ देखा वाइल्ड बोर जैकल पीएम हाउस। सो आप वहाँ में भी देख सकते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। वेल, हुगली गिबोन कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। अभी हम लोग क्या देखने जाएंगे? टाइगर, टाइगर और बोर लिखा था ना वहाँ में। बोर तो वही है ना, वो क्या बोलते हैं, सुअर है ना, वो जंगली सुअर। यस यस, आई एम राइट। पिंजरा पीछे देख सक रहे हैं आप, पिंजरा तो नहीं बोलेगा, वाल है, हाई वाल्स है, जिससे कि एनिमल्स बाहर नहीं निकल सके और हम लोग को खा नहीं सकेगा। यहाँ में एक्चुअली हड्डी भी था रहे, ये देखो हड्डी, बहुत रोटेन स्मेल कर रहा है। ये वो है रेस्टिंग, जहाँ में आप रेस्ट कर सकते हैं। जगह जगह में बना के रखा है छोटा छोटा बोर्ड, साइन बोर्ड लोग भी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि आप
इजीली फॉलो कर सकते हैं एंड इजीली पता कर सकते हैं कि दूसरा जगह में कौन सा एनिमल है। फाइनली इतना राउंड मारने के बाद थक गए एंड जब आप थकान में हो तो ये जगह मिलने से बहुत सुकून मिलता है, जैसे कि हम अभी सुकून से बैठते हैं थोड़ा देर। ठीक कमर दर्द था, ठीक हो गया लगता है। चलो यहाँ में जैकल भी मिलते हैं। जैकल का साइंटिफिक नेम है कैनिस ओरियस, लोकल नेम निशी भाषा में सियाल बोलते हैं इसको। ये है एक एंडेंजर्ड एनिमल। यहाँ से जाना होगा हम लोग को। चलो सो वी विल टेक लेफ्ट फ्रॉम हियर। ये छोटा सा घर बना के रखा प्यारा करके, वो छोटा सा वो लोग का पानी बहुत गंदा है, चेंज नहीं किया ना। कहाँ है जैकल, कहाँ है, किधर, आई कांट सी। तो जैकल का कलर जो यहाँ में कैमोफ्लेज है, मेरा दोस्त जो फिजिक्स का ऑब्जर्व कर करके ना इसको ऑब्जर्वेशन का बारे में पता हो गया, हमको दिखाई नहीं दे रहे। एक्चुअली जैकल इज़ वेरी स्मार्ट है, तो प्यारा है, बहुत ही डरते हैं वो लोग ना, तो प्यारा है। सो क्यूट जैकल। लोग ने अभी जैकल तो देख लिया, बहुत प्यारा सा छोटा कुत्ता है वहाँ में। एंड अभी चलो दूसरा चीज़ देखने चलते हैं, क्या क्या मिलते हैं और आप लोगों को बताते हैं, लास्ट तक देखिए। सो हम लोग को ये फ्लावर भी मिला अभी। बोटानी स्टूडेंट प्लीज़ डू कमेंट अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि हम बोटानी स्टूडेंट नहीं हैं, बता भी नहीं सकते ये क्या चीज़ है। सो बोटानी स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट। हम अभी कहाँ में पूछा है, शाम होने को है एंड आप ये घर देख सकते हैं, इट्स रियली वेरी हॉन्टेड यार। ऐसे भी कोई कौन घर बनाते हैं, रिस्की है रे, रिस्की है। मेरा एड्रेनलिन बहुत ही रश कर रहा है, क्यों बोले तो, क्योंकि हम लोग को पता नहीं हम लोग कहाँ पहुँच गए एंड विदाउट अ गाइड हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम लोग को पता नहीं। एंड फिलहाल ही मैं हम लोग को यहाँ में कुछ आवाज़ सुना एंड इट वॉज रियली बहुत ही डर लगा यार। जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं निकलने के लिए, राइट। सब जगह क्या बोलते स्ट्रीट लैम्प भी लगा के रखा है, शाम के वक्त यहाँ में अच्छा उजाला रोशनी हम लोग को देगा। सो हम लोग अभी ऊपर जाके देखते हैं क्या चीज़ है वहाँ में जाके देख। सो आपको ना यहाँ में साइलेंट रहना है, मेंटेन साइलेंस। एंड इसका नाम है कॉमन लियोपार्ड, साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पर्डस, और ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में ही काउंट करता है। ये लोग प्रजाति बहुत ही कम है एंड कितना साइलेंटली ये मूव कर रहा है गाइस, सो साइलेंट बट बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है गाइस। आई थिंक सो इसको कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच ये बहुत ही साइलेंट है। आई थिंक सो ही इज इंजॉइंग अ लॉट। बहुत हेल्दी है। सो टाइगर को दिखा दिया एंड टाइगर इज़ वेरी हेल्दी। अब हम दूसरे डेस्टिनेशन की ओर एंड शाम होने को है। आपने इतना दूर तक वीडियो देख ही लिया तो कमेंट करो कैसा वीडियो है, कैसा गया वीडियो, कैसा बना, आप कमेंट करिए नीचे में। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो देखो सामने देख सक रहे हैं, जूम करके दिखा देता हूँ। वो डियर इतना प्यारा है एंड इतना फ्रीली घूम रहे, इतना अच्छा लग रहा होगा एंड कितना प्यार है नेचर लोग से। तो आपको जगह जगह में ये रेस्ट करने वाला आपको स्टेशन मिलेंगे एंड आप वहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पानी पीने के बाद फिर आप मूव करिए, फिर रेस्ट करिए, फिर मूव करिए, ऐसा ही चलते रहिए। अभी हम लोग इतना लॉन्ग वर्क करने के बाद थोड़ा थक चुके हैं, सुबह से वॉक कर रहे हैं एंड आप जो पीछे देख रहे हैं वो है टाइगर लैंड, जो पूरा कवर किया हुआ है एरिया। ये पूरा एरिया में आपको टाइगर मिलेगा एंड बहुत थक चुके हैं एंड इतना दूर तक देख लिया, तो कमेंट करो आपको वीडियो में क्या पसंद आया, क्या क्या चीज़ आपने देखने मिला, सो पूरा को कमेंट करिए। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। शाम का वक्त है एंड हम अभी बेयर देखने जाएंगे। बेयर है क्या हमें,
वहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उधर वो काला वाला नज़र आ रहा है ना, उधर वो है, वो छोटा सा केव देख रहा है, वो बियर का घर है। एकदम नेचुरल बनाया ना, वो क्या कर रहा है, वो बदमाश, वो अपना भोजन कर रहा है वहाँ में। वेल आप ये देख सकते हैं, यह साइन बोर्ड में लिखा है रेस्क्यूड एंड डोनेटेड बाय डॉक्टर बीमन नातुंग, मतलब इसको रेस्क्यू किया गया है, बचाया गया है एंड डोनेटेड किया गया है जू में, एंड आप देख सकते हैं वो प्यारा सा भालू है वहाँ में। वेल शाम का वक्त होने को है एंड हमने अभी पूरा सफ़र कंप्लीट ही नहीं किया एंड अंधेरा भी होने को है, सो वी आर मूविंग टू आवर डेस्टिनेशन। सो यहाँ में आप देख सक रहे हैं ये साइन बोर्ड में नॉक्चुरल हाउस लिखा है। नॉक्चुरल जो वो एनिमल होता है, वो बर्ड होता है जो रात में देख सकते हैं, उल्लू का आग देख सक रहे हैं आप, वो है नॉक्चुरल। एंड ये है आप, ये है प्लेस फॉर नॉक्चुरल एनिमल्स, एंड यहाँ से आप जाते हैं बबून को देखने के लिए। वेल बबून हम लोग को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, सो हमने कैप्चर नहीं किया बबून को। यहाँ में कुछ बर्ड्स है, सिल्वर पीजन्स, ब्लू एंड येलो मैकाओ, सो यहाँ में बर्ड्स का प्रजाति लोग है। सो अंधेरा भी होने को है, लेट्स मूव अभी घर की ओर चलते। आई होप आप लोग ने सब चीज़ देख लिया होगा, जितना भी हमने एनिमल दिखाया आपको अच्छा लगा होगा सभी को देख के।